राहुल राहुल उठ जाओ ना बेटा, सुबह भी हो गई है और तुम्हें स्कूल के लिए देर भी होगी। उठकर पहले मुंह धो लो, फिर ब्रश कर लो और नहाकर तैयार हो जाओ। नाश्ते के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या मम्मी सोने भी नहीं देती, स्कूल ही तो जाना है, चला जाऊंगा। मुंह धो के तैयार होके मैं चला जाता हूँ। क्या राहुल, तुम्हारी ये आदत बहुत गंदी है कि तुम लेट से उठते हो, फिर ऐसे ही हाथ मुंह धो के स्कूल चले जाते हो, ब्रश भी नहीं करते कभी कभी, और बिना नहाए ही स्कूल चले जाते हो। क्या मम्मी आप भी सुबह सुबह वही सब बातें लेकर बैठ जाती हो, क्या होता है आखिर? मैं मुंह धोकर ही स्कूल चला जाता हूँ तो। क्या होता है, तुम्हें कुछ समझ भी आता है कि नहीं? सुबह उठकर ब्रश नहीं करने से दांत खराब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, दांत सड़ भी जाते हैं, और तुम हो कि दिन में 5 बार चॉकलेट भी तो खाते हो, उससे भी दांत खराब होते हैं, दांतों में कीटाणु लग जाते हैं। सुबह उठकर ब्रश करने से दांत साफ होते हैं, मुंह से बदबू भी नहीं आती। अच्छा, ये सब होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या राहुल, तुम तो समझते ही नहीं हो बेटा, स्कूल में जब तुम खेलते हो तो तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है और उन पसीनों से कीटाणु फैलते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां भी हो जाती है, और नहाओगे तो वो पसीने साफ हो जाएंगे। और तुम तो जगह जगह मिट्टी से और अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो, तुम्हारे नाखूनों में भी मैल लग जाता है, उसे भी तुम्हें नहाते समय साफ करना चाहिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। मैं अभी बाथरूम में जाता हूँ और सबसे पहले मुंह धोकर ब्रश करता हूँ, और ब्रश करकर नहाकर अच्छे से मैं नाश्ते के टेबल पर आपसे मिलता हूँ। चलो, आज तो तुम्हारी ये बातें समझ में आ गई, अब इन बातों को रोज तुम्हें करना है, भूल मत जाना राहुल। नहीं मम्मी, आज के बाद मैं नहीं भूलूंगा और मैं रोज सफाई से रहूंगा। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दीजिए,